कहा कि जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया। जांजगीर चांपा में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर से केंद्र में मोदी की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाकर केंद्र में फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनवाए। वहीं सीएम साई ने भी वादा किया इस बार छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। हमारी सरकार अभी 2 महीना की ही है, लेकिन मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से किया है उसको पूरा करने में हम लोग अपना कदम बढ़ा चुके हैं। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग ये लोकसभा क्षेत्र जहां पर हम लोग विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन ये मोदी जी का चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है, इसलिए आप सब लोग आज हमारे गृह मंत्री जी को दोनों हाथ उठाकर आश्वस्त करेंगे इस बार जांजगीर क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ का 11 से 11 लोकसभा क्षेत्र जिता के भारतीय जनता पार्टी को देंगे। दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए। मित्रों, आने वाला चुनाव ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में एक बार एक कम कर दिए, एक बार दो कम कर दिए, इस बार सभी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोगे क्या? जोर से बोलो, दोगे क्या? और वहीं इससे पहले अमित शाह ने कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक ली। बैठक में बस्तर कांकेर महासमुंद क्लस्टर में शामिल पदाधिकारी शामिल हुए। अमित शाह ने एक एक नेताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में अमित शाह ने बस्तर क्लस्टर की 3 लोकसभा सीटों को जीतने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। अपने आप में बैठक को बहुत गंभीर बनाती है। लोकसभा की दृष्टि से यह संभव है कि बस्तर का इलेक्शन पहले राउंड में हो जाए जैसा पिछले लोकसभा में हुआ था। तो आज अमित शाह जी ने बस्तर से, हमारे बस्तर क्लस्टर में 3 लोकसभा है, महासमुंद, कांकेर और बस्तर। तो बस्तर लोकसभा की तैयारी की शुरुआत उन्होंने कोंडागांव में क्लस्टर बैठक से की। तो ये समझ लें आप कि छत्तीसगढ़ से चुनाव अभियान की शुरुआत हो गई। तो भाजपा पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीटों के लिए आज से इलेक्शन मोड में है। इलेक्शन मोड में तो हम पहले से थे।